40 से 50 साल निकल जाते हैं तुम्हें रुपए कमाने में, और थोड़े बहुत रुपए जब जमा कर लेते हो तो डॉक्टर 500 रोगों की एक लिस्ट तुमको दे देता है। सुगर तुमको, किडनी तुम्हारी गई, और स्पॉन्डिलाइटिस पता नहीं क्या। हमने एक से पूछा कि इतने साल कमा के क्या किया, बोला इलाज करवाने के लिए। बाबा भैया तेरी जिंदगी तो बड़ी अच्छी है, जब तक जवानी है तब तक खूब कमाओ, क्योंकि बुढ़ापे में इलाज भी तो करवाना होगा, डॉक्टरों को पैसा भी तो देना होगा, हॉस्पिटल में भी तो जाना होगा। पर हम उस देश के वासी हैं जहां 80 साल के उम्र में भी कहा जाता है वीर कुंवर सिंह के विषय में कि जो तलवार वो उठा करके लड़ रहे थे 80-90 साल की उम्र में, ऐसा स्वास्थ्य तुम्हारा क्यों नहीं है? कहां चूके? पैसे तो बहुत हैं, पेट इतना तुम्हारा हो गया कि तुम किसी काम के लायक नहीं हो, किसी से भेंट नहीं हो सकती तुम्हारी बच्चे से। पैसे के साथ साथ पेट इतना दे दिया कि अब किसी से भेंट नहीं कर सकते। कहे बात का, इतना कमाई है क्या करोगे? आपको क्या है, आपको तो गुरुजी पैसा मिलता है कथा करने का, आप तो मौज में हो तो तुम भी कर ले, यह लोक भी बन जाएगा, वो लोक भी बन जाएगा। एक मजदूरी में और एक मौज में तीन तरह की भक्ति हो सकती है। दुनिया मजदूरी कर रही है, किसी की मजबूरी है मंदिर में आना, पर क्या कोई ऐसा भी है जो दोनों हाथ से ऐसे मौज में यहां पर आता हो, ऐसे आके पूछता हो, हो खाडू नरेश की, श्याम बाबा की जय, और आके पूछे महाराज सब बढ़िया? तो हमारे वृंदावन में एक बाबा रहते, अब बाबा एकदम लंगोटा पहन के आते और मंदिर के भीतर नहीं जाते, बाहर से बोलते, ओ बिहारी जी सब मौज तो